धनबाद जिले के सुदामाडी थाना क्षेत्र के सूर्यधाम मंदिर के पास दामोदर नदी के एक बड़े से पत्थर में शिवलिंग जैसी आकृति देखने को मिली है। इसके बाद क्षेत्र में तरह तरह की चर्चा शुरू हो गई है। इलाके के लोग इसे शिवलिंग मानकर दर्शन करने यहां पहुंच रहे हैं, बीच नदी में जाकर पूजा कर रहे हैं। सावन महीने के पहले दामोदर नदी में शिवलिंग मिलने की खबर से लोगों में खुशी है। बताया जा रहा है कि लगभग सवा महीने पहले स्थानीय लोगों ने नहाने के क्रम में इस पत्थर को देखा था और उन्हें उसमें शिवलिंग जैसी आकृति दिखी थी। तब से स्थानीय लोग पूजा अर्चना करने लगे। दामडी जास नाला के पावन भूमि और ये प्राचीन काल के द्वापर गंगा के रूप में विराजमान नदी का धारा प्रवाह में बीच और मध्य में पत्थर को स्वयं बाबा का प्रगट, ये तो पूरे धनबाद जिला नहीं पूरे झारखंड का एक गौरव और आस्था और भक्ति की संकेत देता है। इस दामडी और चास नाला के पावन घराधाम पर बाबा दामोदर नाथ का प्रकट हुआ और हम लोग कोटि कोटि नमन करते हैं दामोदर देव का। और आज क्या क्या प्रकट हुआ है? आज हम लोग एक माह से जब हम लोग यहाँ पर माता और बहन जो नदी नहा रही थी जाकर वहाँ देखी तो बाबा का साक्षात पत्थर को तोड़कर वहाँ पर दर्शन किए और सवा महीना से पूजा बाबा भोलेनाथ का चल रहा। झारखंड टाइम्स के साथ जुड़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज झारखंड टाइम्स टॉप लाइव को लाइक करें, साथ ही साथ हमारे ऐप झारखंड टाइम्स को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना बिल्कुल न भूलें।